थर्ड वन विच डायनेस्ट डिट कुद्दीन एबक फाउंड इट मीनस वो कौन सी डायनेस्टी है कौन सा वंश है जो कि कुतुबुद्दीन एबक ने जिसको फाउंड किया था किस डायनेस्टी को फाउंड किया था सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैमलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी ओके मैम्लुक स्लेव डायनेस्टी को मैम्लुक डायनेस्टी भी कहते हैं सो यू विल राइट स्लेव डायनेस्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम वॉज़ कुतुबुद्दीन एवक प्लेइंग वेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड इट मीन्स वो कौन सा गेम है जिसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन एवक का एक्सीडेंट हो गया था और आफ्टर एक्सीडेंट उनकी डेथ हो गई थी ओके सो आंसर इज चौगान चौगान इज टाइप ऑफ गेम लाइक पोलो ओके okay, जैसे पोलो गेम होता है उसी की तरह होता है ये भी हॉर्स राइड करके ही इसको प्ले किया जाता है सोशरंज चौगान के थ्रू जो है उनकी उनका एक्सीडेंट हो गया था कुतुबुद्दीन एवक का उसके बाद उनकी डेथ हो गई क्वेश्चन नंबर था हु डेड द चहलगानी वेंट वॉन्ट हु डेड द चहल गानी वान्ट एज द न्यू सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ़ कुतुबुद्दीन एवक ओके okay? कुतुबुद्दीन एवक की डेथ के बाद कौन सा वो चहलगानी नावल था जो कि सुल्तान बनना चाहता था सो राइट आंसर इज़ आराम शाह आराम शाह वो चहल गानी था कि जो कि कुतुबुद्दीन की, कुतु की डेथ के बाद जो है वो रूलर बनना चाहते थे सुल्तान बनना चाहते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट टाइटल डिड अलतुत्मे गेट ऑन इस एक्सेशन टू द थ्रोन इट मींस जब उन्होंने राज आ, को ग्रहण किया था जब वो आ, आ, रूलर बने थे तो उन्होंने कौन से टाइटल को उन्होंने गेट किया था उसको आंसर uh, में लिखना है ओके राइट आंसर इज अल्तमस और इल्तमस इट मींस वो उसको जो टाइटल मिला था अल्टमस एंड इल्तमस यू कैन राइट अल्तमस और इल्तमस सो so, uh, कुछ भी आप लिख सकते हैं अल्तमस और इल्तमस दोनों ऑप्शन सही हैं अल्तमस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हो थ्यू ऑफ इज एलिजेंस एट द टाइम ऑफ अल्तुत्स एक्सेसन ओके हु थ्रू ऑफ इज एलिजेंस एट द टाइम ऑफ अल्तुतिस एक्सेशन जब अल्तुत मिस का रूल चल रहा था उस टाइम पर ओके इट मीन्स uh, जिस टाइम पर हु थ्रू ऑफ हिस एलिजेंस इसमें किसने अपनी uh, निष्ठा दिखाई थी जिस टाइम पे इलतुत का शासन था uh, जो उन्होंने uh, उसको ग्रहण किया था ओके सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अली मर्दन ओके okay. अली मर्दन वो थे राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव अली मर्दन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अपीयर ऑन द बैंक ऑफ द इंडस फॉर द फर्स्ट टाइम इट मीन्स किस ईयर में इन विच ईयर मंगोल्स जो है वो इंडस रिवर uh, के पास जो है अपियर हुए थे तो वो uh, किस ईयर में तो आपको ईयर लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में ओके सो आंसर इज ट्वेल्व ट्वेंटी वन ओके ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी वन सी ई इट मीन्स वो ईयर ट्वेल्व ट्वेंटी वन है जब uh, मंगोल्स जो है वो इंडस रिवर के आसपास जो है वेंक्स ऑफ द इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पर एपियर हुए थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुट इज ओन टॉम्प हु ओन टॉम्प इट मीन्स किसने अपना मकबरा बनवाया था विद रेड सैंड स्टोन इन दहलाई ओके okay. किसने अपना मकबरा जो है रेड सैंड स्टोन से दिल्ली में बनवाया था लाल जो है पत्थरों से अपना मकबरा बनवाया था ओके राइट आंसर इज इल्तुतमिस इट मींस इल्तुतमिस वो रूलर है जिसने रेड सैंड स्टोन से अपना टॉम्ब टॉम्ब बनवाया था ओके नेक्स्ट हु एसेंडेड हु एक्सेंडेड क्वेश्चन नंबर फोर वो सॉरी क्वेश्चन नंबर एट हु एक्सेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद ओके इट मीन्स वो कौन है हु एक्सेंडेड जिसने ग्रहण किया था थ्रोन शासन राज जो है सिंघासन आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद किसने जो है शासन को जो सिंहासन को ग्रहण किया था सो राइट आंसर इज ग्यासुद्दीन वल्लवन ग्यासुद्दीन वलवन ओके जी एच आई वाई ए एस यू डबल डी आई एन ग्यासुद्दीन वलवन बी एल बी एन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन विच रूलर ऑफ द दहली सल्तनत ब्रोक अप चहलगानी ओके विच रूलर ऑफ द देहली सल्तनत ब्रोक अप द चहलगानी चहलगानी को किस कौन सा सुल्तान है सल्तनत Uh, दहली सल्तनत रूलर है जिसने चहलगानी को ब्रोकअप कर दिया था ब्रेक कर दिया था ओके सो राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन ग्यासुद्दीन वलवन ग्यासुद्दीन वलवन वो रूलर है जिसने चहलगानी को क्या कर दिया था ब्रोक कर दिया था ओके okay, रोक दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन स्लेव डस्टी इट मीन स्लेव डायनेस्टी का अंत किसने किया था स्लेव डायनेस्टी का ओके जलालुद्दीन खिलजी जे एल ए एल यू डबल डी आई एन जलालुद्दीन खिलजी के एच ए एल जे आई जलालुद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन सो स्टूडेंट योर Question number third. All questions have been completed. Okay, so, students, you will write neat and clean writing and learn also. Okay, don't miss any live class because per day I explain important points related to your chapter, given chapter history, civics, geography, computer. So, don't miss any class. Okay. आप जो है कोई भी क्लास मिस मत करिए और आप जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है वीडियो के थ्रू दिया जा रहा है या आपके ग्रुप में दिया जा रहा है या आपको लाइव क्लास में दिया जा रहा है सारा वर्क आप कंप्लीट करिए रन करिए लर्न करिए ओके सो इट्स इनफ एंड टेक केयर योर सेल्फ हैव ए नाइस टाइम